अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज फिर पाकिस्तान का सफ़र शुरू हो गया है और मैं पाकिस्तान जा रही हूँ अपनी फैमिली से मिलने। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये व्लॉग शेयर करूँ और आप लोगों को भी अपनी जर्नी दिखाऊँ कि मैंने अकेले कैसे ट्रैवल किया। मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, आयत को। तो मेरे हस्बैंड भी यहीं हैं और बाकी फैमिली भी यहीं है, तो थोड़ा सा दिल भी उदास था और लेकिन जाना भी था, खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी कि अपनी फैमिली से जाके मिलूंगी। हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, ह्यूस्टन एयरपोर्ट। तो ये था कि यहाँ पे अभी पार्किंग नहीं मिल रही थी जुनेद को, तो मैं अकेले यहाँ पर खड़ी थी आयत को लेकर। ये था कि उनका वेट कर रही थी और ये यहाँ पर जो है आपको सामने नज़र आ रही हैं व्हील चेयर्स वगैरह, ये मुसाफिरों के लिए ही होती हैं। जो भी पैसेंजर्स होते हैं जो चाहते हैं नहीं चल सकते या उनको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो यहाँ पर ये यूज़ करवा कर सकते हैं। बोर्डिंग में ही उनकी जो एंट्री होती है वो बोर्डिंग में हो जाती है और फिर वो ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी बच्चों के साथ, थोड़ा सा मसला होता है ये जो लाइन वगैरह लगी होती हैं उसमें थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, थक भी बहुत जाते हैं। तो काफ़ी 2-3 घंटे हमें यहाँ लग गए थे और फिर हम उसके बाद वेटिंग एरिया में आ गए थे। वेटिंग एरिया में ये था कि यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया वगैरह बनाया हुआ था इन लोगों ने। तो आया था यहाँ पर, उसने थोड़ा सा यहाँ इंजॉय किया और फिर हमारी जहाज़ के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई थी अंदर जाने के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी सख्त सिक्योरिटी थी और काफ़ी सवालात इन्होंने किए। और फिर जो सबसे बड़ा मसला था बच्चों के साथ, आप देखें यहाँ बच्चे कितना परेशान है। इन लोगों ने जो प्लेन का डोर था वो थोड़ा सा खुलने में टाइम लग गया था, तकरीबन आधा पौन घंटा हमें यहाँ लग गया था। उसके बाद फिर हम लोग प्लेन के अंदर आ गए थे। कतर एयरवेज़ हमारी फ़्लाइट थी जो कि दोहा तक पहले हमारी जर्नी थी और फिर उसके बाद कराची थी। तो आयत तो खैर उसको पसंद है, जिन बच्चों को प्लेन अच्छे लगते हैं, प्लेन की जर्नी अच्छी लगती है तो उनके साथ तो कोई मसला नहीं है। मुझे तो काफ़ी आयत के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसने बहुत इंजॉय किया इस सफ़र को। लेकिन ये था कि जहाज़ में भी काफ़ी इंटरटेनमेंट थी, प्लेन में भी बच्चों को ड्राइंग बुक्स वगैरह दे दी थी और आप चाहें तो अपने साथ भी रख के ला सकते हैं ड्राइंग बुक्स, या फिर कोई आप टैबलेट्स में कोई जो है गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कि आयत ने काफ़ी इंजॉय किया इस पर। और अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा जहाज़ में ये सफ़र पसंद है, ये आप देखें सामने कितनी रोशनी है और इस तरफ अंधेरा है। तो ये इस तरफ रात थी और उस तरफ दिन था, यही अल्लाह ताला की मौजज़ात हैं जिनको देख के अक्ल हैरान हो जाती है कि हम किस तरह अल्लाह ताला हमें रखा हुआ है दुनिया में। ये देखें अंधेरे में से सामने रोशनी में जहाज़ जो है सफ़र कर रहा है, ये हमारा प्लेन था। और बड़ा ही अच्छा लगता है देख के, दिन और रात का जो सफ़र है वो बड़ा मज़ा देता है देखने में, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के मौजज़ात से दिल को मकसद दिल बड़ा खुश होता है और कुछ हैरान भी होता है कि अल्लाह ताला की वहदानियत क्या नहीं है और वो क्या नहीं कर सकता मौत से। तो ये था हमारा। फिर सुबह हमने एक मील इन लोगों ने हमें दे दिया था, ये सेकंड मील था जो अभी आपने देखा, सैंडविचेस वगैरह। आयत को आइसक्रीम भी ये जो होस्टेस वगैरह इन्होंने आइसक्रीम वगैरह भी दी थी और साथ पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह, तो बड़े इंजॉय करते हुए आई थी आयत तो। और अब ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये बादलों में से उतर रहा है और अब ये सामने दोहा का रनवे है जिस पे से अब हम दोहा पहुंच गए थे। तो ये थी मेरी जर्नी और आप इसको देख के अगर इंजॉय कर रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये है दोहा का रनवे और ये हमारा प्लेन नीचे रनवे पर उतर रहा है। तो ये देखें, ये सारे मैंने छोटे छोटे से शूट्स ले लिए थे ताकि मैं फिर वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए, दिखा सकूं कि मेरा ये सफ़र कैसा रहा अपनी बेटी के साथ। तो ये दोहा रनवे पे हम लोग पहुंच गए थे और इस बार ये था कि कतर की सर्विस बहुत अच्छी थी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी, जब जिस वक्त मैंने उम्रे का सफ़र किया था, उस वक्त थोड़ी सी डिसअपॉइंट थे इस सफ़र से, लेकिन इस बार बहुत अच्छी इन लोगों की सर्विस थी और काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। और अब ये मैं वेटिंग एरिया में आ गई थी दोहा के, जो कि मुझे कराची के लिए जो है बैठना था जहाज़ में, और सारी बोर्डिंग वगैरह हमारी हो गई थी। और काफ़ी ज़्यादा रश था इस बार फ्लाइट में, काफ़ी रश था और ये पूरा जहाज़ पैक था
जो है प्लेन में काफ़ी लोग थे और इसकी वजह से उन्होंने हमारे हैंड कैरी वगैरह भी ले लिए थे क्योंकि प्लेन में पैक था ये, तो इस वजह से ना उन लोगों ने हमारे हैंड कैरी ले लिए थे। तो बस यही है बच्चों के साथ, ज़रा ये होता है कि थोड़ी सी तो मुश्किल होती है लेकिन अगर बच्चे प्लेन के सफ़र को एंजॉय करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टायर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे उस सफ़र से क्योंकि बड़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ़्लाइट होती है। 14.5 आवर की मेरी एक फ़्लाइट थी और फिर सेकेंड फ़्लाइट मेरी 2.5 आवर की सेकेंड फ़्लाइट थी कराची के लिए। तो अभी हम लोग कराची के लिए प्लेन में बैठ गए थे और इधर भी काफ़ी अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे अपनी फैमिली से मिलने की कि काफ़ी टाइम के बाद मैं 1.5 साल के बाद अपने घर जा रही थी। तो ये था कराची वाला जो प्लेन है ये वो है, और फिर साथ इसमें भी इन्होंने आयत को ड्राइंग्स वगैरह के लिए जो है गिफ्ट पैक दिए थे। साथ ये डिनर हम लोगों को दिया था जिसमें चिकन चिली थी और वाइट राइस थे, साथ मूस था और सैलड वगैरह था और जूस था। ये था हमारा आज का कराची का ये यानी कि जो मेरा यूएसए से कराची तक का सफ़र, और ये कराची अब जहाज़ लैंड करने वाला है और इतना खूबसूरत कराची लग रहा था। ये अभी हम लोग समंदर पे से आ रहे हैं यानी कि जो एयरपोर्ट है वो समंदर पे से होते हुए ही हम लोगों ने एयरपोर्ट पे लैंड किया था। तो कराची जहाज़ में से भी बड़ा अच्छा इसका एक मंज़र था। तो आप भी मेरे साथ साथ देखते जाएँ और फिर मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो ये देखिए रोशनियों का शहर कराची सामने नज़र आ रहा है और दिल में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मेरी फैमिली वहाँ पर होगी। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और वो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी मैं क्योंकि उमरा करके आई थी। तो मेरी तमाम ही फैमिली के मेंबर्स जो है मेरे लिए हार वगैरह लेकर आए थे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर बाद में हम लोगों ने चाय पीने के लिए एक होटल पर रुक गए थे एयरपोर्ट पर पहुँच के, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद हैदराबाद का सफ़र शुरू हो गया था। ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपके साथ फिर नई वीडियो में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।